यहाँ पे तो भाई मछली मंडी का सीन है। ये लोगों की आप बता देख ले शोरूम पे, ऐसे लग रहा है कि जैसे यहाँ पे ना कोई मंडी लगी हुई है, सब्जी मंडी है जिस तरह हम आते हैं ना, वो वाला साहब है। यहाँ पे तो मुफ्त आटे की तकसीम हो रही है, मतलब लिटरली हम लोगों को इसी काम के ऊपर लगाया हुआ है। हमारी जो लोग हैं, मतलब किस तरह यार लोग खबार हो रहे हैं, किसी ने रोज़ा रखा गर्मी में, मतलब मैं तो देख के हैरान हो गया। और मुझे यहाँ पे ना घर से ये मेरा रास्ता मैक्सिमम 10 मिनट का है, तो 20 मिनट मुझे सिर्फ शोरूम इधर एंटर होने में लग गए। वो रास्ता भी बंद है, मेन जो एंट्रेंस है इधर से वो एक खुली है, वहाँ से इधर आके वो बैरियर लगाए हुए हैं, यहाँ से भी ये बंद है और इधर से भी ये रास्ता सारा बंद किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और रमज़ान का है जी आज छठा रोज़ा, और अब धूप जो है वो थोड़ी ज़्यादा होनी शुरू हो गई है पाकिस्तान के। अभी जो मौसम आ रहा है, लेकिन अगला वीक मैंने सुना है कि दोबारा मौसम जो है वो बेहतर हो जाएगा, तो उम्मीद तो करते हैं कि रमज़ान का जो है वो इसी तरह महीना गुजरी। कड़क की धूप निकली हुई है, हल्की हल्की जो है वो बादल। जो है हमने जाना है शोरूम पर, काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने शोरूम का चक्कर नहीं लगाया। पहले एक दिन जाने लगा था, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई वहाँ पर कि बंद था सारा कुछ। वो पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि सारी मार्केट उन्होंने बंद की हुई थी सस्ते या पता नहीं फ्री आटे के चक्कर में। तो ऐसे हम लोग खबार हो रहे हैं, कपड़े चेंज करेंगे और तैयारी करके जोहर के बाद हम जा रहे हैं सीधा शोरूम पे। मैं लगाऊं जी, साफ गंदी काफ़ी हुई है बारिश की वजह से, ये सारा जो पोर्शन है ये सारा गंदा हुआ है। काफ़ी बाइक भी ओपन है, तो मैंने कहा इधर बाहर खड़े इसको साफ कर लेते हैं, यहाँ सारा जो है ना ये पोर्शन। शोरूम पे मैं पहुँच गया हूँ, तो यहाँ पे आके तो भाई सीन ही बदल गया है। ये देखिए ज़रा, ये मुफ्त आटे की तकसीम के चक्कर में यहाँ पे शोरूम जो है वो सारी इन्होंने साइड पे किए हुए हैं। ऊपर से मसला ये यहाँ पे एक आ रहा है कि इस साइड पे ना जो ये स्टेडियम का आधा साइड है जहाँ पे ये यहाँ पे ना फैसलाबाद में, वो वहाँ से नादरा ऑफिस से लेकर ना इस तरफ की ये जो यहाँ पे ये जांबाज वगैरह का शोरूम है ना, इधर वाला ये सारा एरिया यहाँ पे ना पिछले एक हफ्ते से लाइट बंद है, जुमे रात से बंद है, अभी तक नहीं आया। ट्रांसफार्मर का मसला तो वो हल नहीं हो रहा, कोई भी मतलब इंतजामिया ले रही। करोड़ों का यहाँ पे लोग कारोबार करते हैं और 6 दिन हो गए हैं लाइट बंद है। रमज़ान से पहले की पहले रोज़े की लाइट बंद है, अब अंदाजा लगा लें। और आज छठा रोज़ा है, मतलब यहाँ पे आना इतना मुश्किल है, मैं खुद बड़ा मुश्किल से आया यहाँ पे बाइक, मतलब इतनी दुनिया यहाँ पे जो है 4 बजे तक ये काम रहता है, 6 बजे वैसे शोरूम बंद हो जाते हैं रमज़ान में। तो यहाँ पे तो बहुत काम ख़राब हुआ है यार, गाड़ियों वाले सारे बंदे परेशान हैं, ऊपर से लाइट नहीं आ रही यहाँ पे, तो गाड़ियाँ धोनी होती हैं वो भी काम सारा ख़राब है। गाड़ियाँ जितनी भी वॉश करनी वो सर्विस स्टेशन पे जा रही हैं। यहाँ पे तो भाई मछली मंडी का सीन है, ये लोगों की आप बता देख लें शोरूम पे, ऐसे लग रहा है कि जैसे यहाँ पे ना कोई मंडी लगी हुई है, सब्जी मंडी है जिस तरह हम आते हैं ना, वो वाला साहब है। यहाँ पे तो मुफ्त आटे की तकसीम हो रही है, मतलब लिटरली हम लोगों को इसी काम के ऊपर लगाया हुआ है। हमारी जो लोग हैं, मतलब किस तरह यार लोग खबार हो रहे हैं, किसी ने रोज़ा रखा गर्मी में, मतलब मैं तो देख के हैरान हो गया। और मुझे यहाँ पे ना घर से ये मेरा रास्ता मैक्सिमम 10 मिनट का है, तो 20 मिनट मुझे सिर्फ शोरूम इधर एंटर होने में लग गए। वो रास्ता भी बंद है, मेन जो एंट्रेंस है इधर से वो एक खुली है, वहाँ से इधर आके वो बैरियर लगाए हुए हैं, यहाँ से भी ये बंद है और इधर से भी ये रास्ता सारा बंद किया हुआ है। तो भाई अल्लाह ही रहम करे हमारे ऊपर, मैं तो कुछ नहीं कह सकता। तो मैं बड़ा मुश्किल आज 8-9 दिन बाद शोरूम पे पहुंचा हूँ कि आज शोरूम पे जाते हैं, तो मेरी तो बस हो गई भाई इधर 10 मिनट के अंदर ही मोटरसाइकिल चलाते हुए। ओए 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 यार, बहुत बुरा हाल है यार वहाँ पे तो। मुझे तो लोगों को देख के मेरी तो अपनी तबीयत ख़राब होगी, एक तो गर्मी आज ज़्यादा है, ऊपर से लोगों को वहाँ पर जो रश है, भाई अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला रहम करे, बहुत बुरे हालात हैं यार वहाँ पर। मुझे बता रहे थे कि कोई एक बच्चा छोटा 11-12 साल का, उसकी डेथ हुई है, एक बुज़ुर्ग है उसकी डेथ हुई है, और ये डेली का काम है। और एक ख़ातून थी वो मेरे सामने गई हैं वहाँ पे, उसको लेके गए हैं हॉस्पिटल, पता नहीं उसकी किस तरह की अब हालत होगी। तो ये वहाँ पे डेली का हाल हो रहा है और लोग जो है वो बेचारे खबार हो रहे हैं, और अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहम करे, बस यही कह सकते हैं हम। आज हम साथ में बना रहे हैं जी टिक्कियाँ कटलेट, और वो भी आलू वाली, चिकन वाली नहीं, ब्रेड क्रम्स हैं और थोड़ी सी फ्राइज़ हैं। अब मैं सोच रहा हूँ इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ को भी डाल दूँ और ये बड़ी मज़े की बन जाएगी, पता नहीं चीज़ बॉल बनेगी या चीज़ टिक्की बनेगी, देखते हैं क्या फाइनल नतीजा निकलता है ना जी। ये देखें हमारी कितनी खूबसूरत बनी है टिक्कियाँ, इनमें से कुछ के अंदर मैंने चीज़ भी डाल दी है, जैसे कि ये देखें इसके अंदर से चीज़ भी बाहर निकली है, तो खाने के बाद पता लग जाएगा जी इसका जायका जो है वो कैसा है, लेकिन दिखने में बहुत खूबसूरत लग रही हैं। अफ्तारी में सिमिलर खाना है जी चाट, आज एडिशनल ये है कि इसके अंदर हमने टमाटर डाल दिया और खीरा है। खीरा वैसे कोई इतना टेस्ट नहीं देता, बहरहाल कल एक गलती ये हुई थी कि कल बहुत सूखा बन गया था, तो टेस्ट तो ठीक था लेकिन वो बहुत सूखा सूखा लग रहा है। तो आज वैसे भी वो इमली की जो चटनी है ना, इमली आलू बखारे वाली, वो भी डाली है, और थोड़ी सी आज फ्राइज़ है, कल ज़्यादा बन गई थी, खाई नहीं जा रही थी। तो बस ये आपका मेरे तो अफ्तारी इतनी है, बस जूस है वो भी बनाने वाला रहता है, बस वो बनाना है, तो अफ्तारी जो है वो हमारी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी जी। मैं अभी अपने टेलर साहब के पास जा रहा हूँ,
और टेलर साहब के पास जाने का है कि उन्होंने कहा था शाम को आप आ जाना बगैर कॉल किए हुए और सूट जो है आपके रेडी हो जाएंगे। तो तीन चक्कर मेरे पहले लग चुके हैं, उसमें कोई नतीजा नहीं निकला और अभी वाले चक्कर में देखते हैं कि क्या बनता है, क्या सीन है। अच्छी खबर नहीं है जी, सूट सिलाई नहीं अभी तक हुआ, मुकम्मल नहीं हुआ, गला रहता है ये वाला और कुछ चीज़ें रहती हैं। तो उस्ताद जी कहते जी माजरत है, मैं कहा उस्ताद जी मुझे टिक टाइम बता दे, मैं तकरीबन तीन चक्कर लगा चुका हूँ तो अच्छा नहीं लगता, तो एक टाइम दे दे। तो मैं कहा जी कल इंशाल्लाह लाजमी सिलाई हो जाएगा, तो देखते हैं कल क्या अपडेट मिलती है। हाँ जी, गर्भ भी वापस पहुंचा हूँ जस्ट, और अभी देखते हैं यार कुछ थोड़ा सा खाना खा लूँ। वैसे मैं इफ्तारी के बाद खाता कुछ नहीं हूँ, मतलब जो इफ्तारी के टाइम खा लिया, लेकिन ज़्यादातर जो है मैं खाना नहीं खाता। तो अब उस्ताद जी का वेट करना है, कपड़े मैंने चेंज किए हैं, अब कल को दोबारा उन्होंने कहा तो कल देखते हैं जी क्या अपडेट मिलती है। उम्मीद तो बड़ी है कल सिलाई हो जाएगा क्योंकि सूट थोड़ा सा बन चुका था। खैर, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा। अल्लाह हाफिज़।